नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। एक निशान बाबा श्याम के नाम, भव्य निशान यात्रा, शिव मंदिर जय नारायण, धर्मशाला खरखुदा से सिद्ध पीठ नखलोई धाम, रविवार 6 मार्च 2022। निशान पूजन सुबह 7:30 बजे, यात्रा प्रारंभ सुबह 8 बजे। निशान उठाने के लिए संपर्क करें राजवीर श्याम सेवक राजेश कपूर आटा चक्की, मोबाइल नंबर 89 30 171 816 999 609 3206। थाना प्रभारी से मिले शहरी गांव के ग्रामीण बुधवार को खरखुदा थाना प्रभारी जसपाल सिंह से मिले। ग्रामीणों ने SHO से मांग की कि महावीर हत्याकांड के कारण वह हत्यारों का पता लगाया जाए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों ने किस कारण से महावीर की हत्या की है, इसका पूरा खुलासा किया जाए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस मामले में शामिल है उसे गिरफ्तार किया जाए। थाना प्रभारी जसपाल सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि महावीर हत्याकांड में जिन लोगों का हाथ है उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल भट्टा संचालक जगबीर व देवेंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें रिमांड पर लिया हुआ है, ताकि अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। अप्रेंटिस के बाद भी क्यों कराया जा रहा था सुमित से मानकों की ताक पर रखकर काम, बिजली निगम के अधिकारियों पर हो सकती है कार्यवाही। बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही पर अड़े ग्रामीण, दोबारा दी शिकायत, पुलिस कर रही मामले की जाँच। खरखुदा के सैदपुर इंडस्ट्री जोन में ITI डिप्लोमा होल्डर से अप्रेंटिस के दौरान मानकों को ताक पर रखकर सरकारी बिजली लाइन पर काम क्यों कराया जा रहा था, इस सवाल में पूरा बिजली महकमा सख्ती में आ गया है। कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण पूरे महकमे की बदनामी हो रही है, क्योंकि अभी तक अप्रेंटिस पूरी होने के बाद सुमित को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट न मिलने के कारण मजबूर सुमित को बिजली निगम के अधिकारियों की बात माननी पड़ती थी और उनके कहने के मुताबिक काम करना पड़ता था। मृतक सुमित के भाई अमित ने बताया कि अप्रेंटिस सर्टिफिकेट न दिए जाने के कारण उसे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस काम की उसे सैलरी भी नहीं दी जाती थी, ना ही कहीं पर उसकी हाजिरी लगवाई जाती थी। इस तरह की परेशानी कई बार सुमित उससे साझा कर चुका था। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले को गंभीरता से जाँच करवाई जाए, दोषी बिजली कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाए। पुलिस इस बारे में जाँच में जुटी है। बुधवार को करंट से हुई थाना कला गांव निवासी सुमित की मौत के मामले में बिजली कर्मियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर गांव की महिलाएं व ग्रामीण भारी संख्या में खरखुदा पुलिस थाने में पहुंचे। ग्रामीण बिजली कर्मियों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे ASP निकिता खट्टर ने ग्रामीणों को सुझाया व उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। मृतक सुमित के भाई अमित ने कहा कि ITI पास करने के बाद सुमित की सैदपुर में अप्रेंटिस लग गई थी, लेकिन उसे वहां से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उसे काम करने के लिए बुलाया जाता रहा था। मंगलवार को भी लाइन जोड़ने के लिए बुलाया गया था, जबकि अप्रेंटिस कर्मी को ट्रांसफार्मर व बिजली के खंभे पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ना ही उससे रिस्की काम कराया जा सकता है। उन्हें केवल हेल्पर के रूप में रखा जाता है, लेकिन बिजली निगम के कर्मचारी जानबूझकर अप्रेंटिस करने वाले से मानकों पर ताक पर रखकर काम करवाया जाता है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जी, कल मेरे भाई सुमित की सब डिवीजन यशदपुर में हत्या हो गई है सर। वहाँ पे उसने अप्रेंटिस की थी, उसकी नवंबर में अप्रेंटिस ख़त्म हो गई थी, तो बिजली विभाग उसको प्रेशर दे रहा था कि तुम्हारा सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम हमारा एक काम नहीं करते रहोगे। तो इसलिए वो प्रेशर में आके वहाँ जाता रहता था, और वहाँ कल अजीत लाइनमैन ने उसे लाइन पर चढ़ाकर और लाइन चालू करा दी, जिससे मेरे भाई की दुर्घटना हो गई। से जा रहा हूँ और मेरी अटेंडेंस नहीं लगा रहे, और वो जय ही बोल रहा है कि वो लगाएगा, लाइनमैन लगाएगा, लाइनमैन बोल रहा है कि जय के हाथ में है, तो उसकी अटेंडेंस नहीं लग रही थी, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि तेरा सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, कैंसिल कर देंगे। ये कल की बात है, थाना कला गाँव में एक लड़का है सुमित, उसकी बिजली का काम करते हुए कल डेथ हो गई थी, और जो फैमिली है उन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी, जिसके बेसिस पे हमने कल FIR दर्ज कर दी है, 124 नंबर FIR खरखुदा थाने में, और सेक्शन लगे हैं 304 है। परंतु फैमिली संतुष्ट नहीं थी, वो चाह रहे थे कि इसमें 302 ITC धारा इजाद हो। उनका मानना है कि जो उनका लड़का सुमित था उसको ब्लैकमेल किया गया और एक साजिश के तहत उसका मर्डर किया गया है। तो फैमिली की से बातचीत करने के बाद उनकी बात को ध्यान में रखते हुए और उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे हमने इसमें 302 धारा और 384 ITC धारा इजाद करी है, और इसमें हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम भी इसमें मृतक का पोस्टमार्टम करवा के रीति रिवाज अनुसार दाह संस्कार कराएंगे, और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है 302 ITC के रिगार्डिंग। जो भी फैक्ट्स आएंगे फाइल पे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
जो अभी तक हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें अभी तक ये निकल के आया है कि ये विभाग में कार्यरत नहीं था, ये पहले एक अप्रेंटिस था ITI के थ्रू, और लेकिन ये विभाग में कार्यरत नहीं है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय युवा स्वयं सेविका और आर्यव्रत अध्यक्षता सिसाना गांव निवासी पारुल दहिया ने कैंसर पीड़ितों के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पारुल महिलाओं के बालों का दान कराने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। बालों की विग बनाई जाती ताकि ये बेचकर कैंसर पीड़ितों के लिए उस धनराशि का सदुपयोग हो सके। पारुल दहिया ने इस अभियान से जुड़ते ही सबसे पहले खुद के बालों का दान किया था, इसके बाद वे निरंतर महिलाओं को इस दिशा में जागरूक कर रही हैं। पारुल दहिया पर्यावरण संरक्षण के लिए तो समय समय पर कार्य करती ही हैं, साथ ही अब तक वे 14 बार रक्तदान कर चुकी हैं। कैंसर पीड़ितों के लिए विग बनाने के लिए बाल दान करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी काकी सास सुदेश को भी बाल दान करने के लिए प्रेरित किया। वे उनके बाल कटवा कर कैंसर पीड़ितों की विग बनवाने के लिए भेजा। जानकारी के लिए बता दें कि पारुल के पति आशीष दहिया, जो 105 बार रक्तदान कर चुके हैं, वह यह जोड़ी विभिन्न कार्यक्रमों में पौधारोपण करने में विभिन्न रस्मों पर वेस्टेज से बनाए गए गमलों में पौधा दान करते हैं। राम राम जी सारिया ने, ये मेरी काकी जी हैं जिन्हें मैंने जागरूक किया है और इन्होंने अपने बाल डोनेट किए हैं विग बनाने के लिए, जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए विग बनेगी इनकी, और ये तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ पे एक संस्था है हेयर क्राउन के नाम से। थैंक यू। शहर के अनाज मंडी के पास से खरगोदा पुलिस ने एक युवक की कार से अवैध शराब की बोतल बरामद की है। आरोपी ने अपनी पहचान सिसाना निवासी रवि के रूप में दी है, जिसके खिलाफ खरगोदा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिसाना निवासी रवि अपनी i20 कार में अवैध शराब लिए हुए है। हेड कांस्टेबल अशोक की अगुवाई में मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने कार की जाँच की तो उसमें से 14 बोतल अंग्रेजी शराब मार्का बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मोहम्मदाबाद निवासी एक महिला ने गांव के ही कुछ लोगों पर उसके व उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जरूर चौकी पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 3 महिलाओं सहित 5 के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहम्मदाबाद निवासी शालिनी का आरोप है कि गाँव के ही एक परिवार द्वारा पहले उन्हें अपने घर बुलाया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। किसी तरह से बीच बचाव कर वह अपने घर पर आ गई तो आरोपियों ने उसके घर पर आकर भी लाठी डंडों से उन्हें पीटा, जिसमें वह खुद, उसके पति व सास घायल हो गई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए तीनों महिलाओं पूनम, आरती व उसकी मां सहित सुरेंद्र व दिनेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोदा क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से 2 वाहन चोरी हो गए, जिनके मालिकों ने वाहन चोरी की शिकायत पुलिस को दी है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थानेकला निवासी अमन का कहना है कि उसने खरगोदा बाईपास पर स्थित एक वाटिका की पार्किंग में अपनी सेंट्रो कार को खड़ा किया था, लेकिन अब वापस आकर देखा तो उसकी कार पार्किंग में नहीं मिली। दूसरे मामले में निजामपुर माशा निवासी राजेश का कहना है कि उसके पास एक आयशर कैंटर था, जिसे उसने 3 दिन पहले पंचायत भवन के पास खड़ा किया था, लेकिन मंगलवार की सुबह आकर देखा तो कैंटर नहीं मिला। उसने आसपास तलाश की, लेकिन जब कैंटर का पता नहीं चला तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। दोनों मामलों में खरगोदा पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर शिकायत दर्ज कर दी है और छानबीन कर रही है। बुधवार को मंडोरा गांव में चौधरी टीकाराम जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके जयंती मनाई गई। चौधरी टीकाराम जयंती के अवसर पर चौधरी टीकाराम वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा विशाल हरियाणा स्टाइल कबड्डी मेला 27 फरवरी को मंडोरा गांव में स्थित चौधरी टीकाराम स्टेडियम में होगा, जिसमें बुजुर्गों की दौड़ व्यवस्था का से भी शामिल की गई है। बुजुर्गों की दौड़ में उम्र 60 साल से ऊपर होना अनिवार्य है, जिसमें आधार कार्ड को उम्र प्रूफ माना जाएगा। इसके अलावा हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता का पहला इनाम 71,000, दूसरा 51,000, तीसरा 31,000 रखा गया है। चौथे से आठवें नंबर पर आने वाली टीम को 5,100 रुपये, 9 से 16वें क्रम पर आने वाली टीम को 2,100 रुपये, बेस्ट कैचर एवं बेस्ट रेडर को 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। यह जानकारी चौधरी टीकाराम वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी प्रधान अनिल दहिया व सचिव सरपंच मंजीत ने दी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चौधरी टीकाराम जयंती के अवसर पर हरियाणा स्टाइल कबड्डी मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर डॉक्टर अनिल दहिया ने बताया कि किस तरह से महान समाजसेवी चौधरी टीकाराम ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अपने घर की छतों को उखाड़ कर उनकी कड़िया दान दे दी थी। ऐसे महान समाज सुधारक के बताए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। इस मौके पर मीना नरवाल, मंजीत सरपंच सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट अ वेल रेप्यूटेड सीनियर डॉक्टर हैज जॉइंड अस इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर गौरव सिंह रंधावा, लेप्रोस्कोपिक यूरो ऑनको सर्जन। ओपीडी टाइमिंग मॉर्निंग 9 AM टू 10 AM, इवनिंग 1 PM टू 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। प्लीज कॉन्टेक्ट
7565111। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।